वेलकम टू द बेसिक्स अकेडमी। स्टूडेंट्स, हम यूपी बोर्ड क्लास 10th की इंग्लिश कर रहे हैं और इसमें आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो देखिए, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में सबसे पहले हम ये समझते हैं एक्टिव वॉइस कौन सी होती है और पैसिव वॉइस कौन सी होती है। तो स्टूडेंट्स, जो जिस वॉइस में, यानी कि जिस वाक्य में जो सब्जेक्ट है वो एक्ट करता है वो एक्टिव वॉइस होती है, और जिसमें सब्जेक्ट एक्ट नहीं करता है वो पैसिव वॉइस होती है। अगर हम सेंटेंस लें अभी आपको समझाने के लिए, जैसे कि ये सेंटेंस लिया हमने, आई राइट अ लेटर, इसका मतलब हुआ मैं एक लेटर लिखता हूँ। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है, आई, और आई यहाँ पर क्या करता है, एक्ट करता है, कुछ कर्म करता है, तो वो जो हमारी वॉइस होगी वो होगी एक्टिव वॉइस। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इस एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, अ लेटर, वो हमारा पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। तो सेंटेंस हमारा बनेगा अ लेटर इज रिटन बाय मी, ये कैसे बनेगा हम अभी आपको समझा दे। अभी आप इसे समझिए, इसका मीनिंग क्या है, एक लेटर मेरे द्वारा लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो अ लेटर है, लेकिन ये एक्ट नहीं करता, ये पैसिव रहता है, डेट मीन्स ये एक्सपीरियंस करता है बट ये एक्ट नहीं करता है। तो जो मेन डिफरेंस होता है एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में ये होता है कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो एक्ट करता है और पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो एक्ट नहीं करता है। ओके, अब जो आपका इसमें चैप्टर में जो हमारा सबसे पहले आएगा वो आएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब हम वन बाय वन करके एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स, और आपका पहला आता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, आपको सबसे पहले ये हम आपको बताते हैं। तो देखिए, स्ट्रक्चर होता है कि जिस फॉर्मेट में सब सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है उसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। तो जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसका जो एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है वो वही होता है, अगर आपने टेंस की स्टडी पहले की होगी तो, जो प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, आपको इसमें V1 या V5 से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। V1 का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और V5 का मतलब है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, जिसे आप इससे भी जानते होंगे कि जिसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, प्रेजेंट फॉर्म में जब हम एस या ES ऐड कर देते हैं तो उसको हम यहाँ पर जस्ट फॉर कम्फर्ट हम यहाँ पर उसको V5 लिख रहे हैं, यानी कि इसका मतलब है जब हम प्रेजेंट फॉर्म में एस या ES ऐड कर देते हैं उसको हमने यहाँ पे V5 लिखा हुआ है बस। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस में वो क्या होता है स्टूडेंट, प्रेजेंट सिंपल टेंस में यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इसमें इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट सिंपल टेंस की वो कौन सी होती है, डू या डज, अगर आपने टेंस की स्टडी की होगी तो आपको ये पता होगा। तो ये आपको इसमें याद रखना है कि जो एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस का, यानी कि जो वो वाक्य जिनमें प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज हुआ उसको जब हम पैसिव फॉर्म में बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर होगा स्टूडेंट्स, उसमें आएगा सब्जेक्ट, जो इसका जो सब्जेक्ट बनता है, जो हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 डेट मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। इसमें जो इज एम आर है ये इसकी पैसिव वॉइस की इसमें हेल्पिंग वर्ब होती हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस में इज एम आर में से एक ही वर्ब यूज करनी होती है, तो इज या एम या फिर आर। अब ये जो हमने सेंटेंस लिया था आप इसको देखिए, अब आपको अच्छे से समझ आएगा, वाला सेंटेंस फिर से देखिए, आई राइट अ लेटर। तो आप सेंटेंस देख के समझ जाएंगे कि ये जो सेंटेंस है ये किसका है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। क्यों? क्योंकि आप इसमें पहचान करेंगे इसकी वर्ब से, इसमें वर्ब कौन सी लिखी हुई है, राइट, जो कि है V1। ओके, तो सब्जेक्ट प्लस V1, देखिए सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट अ लेटर, तो ये हमारा सेंटेंस हुआ प्रेजेंट सिंपल टेंस का। अब हम इसको चेंज करेंगे, ये एक्टिव वॉइस में, इसका मतलब है मैं एक लेटर लिखता हूँ, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो एक्ट करता है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में है और ये एक्टिव वॉइस में। अब हम इसको चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए जो इसका ऑब्जेक्ट होता है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट्स, आ लेटर को आप उठाएंगे यहाँ से और वो इसका बन जाएगा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, तो आपका सेंटेंस बनेगा आ लेटर। अब आप देखिए यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आनी है इसमें कौन सी आनी है, इज एम आर। अब आपको ये चेक करना है कि जो आ लेटर है सिंगुलर है या प्लूरल, ये सिंगुलर है, अगर सिंगुलर है तो वर्ब कौन सी आएगी, इज, तो आ लेटर इज, उसके बाद में आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म,
हम आपको अभी बताना चाहते हैं स्टूडेंट्स, पैसिव वॉइस में हर सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। तो इसमें आपको, आप इसे याद भी कर सकते हैं कि कोई और फॉर्म यूज ही नहीं होती है पैसिव वॉइस में, केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है हर सेंटेंस में, सभी टेंस में। तो इसमें अब वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है आपको चेक करनी है कि जो राइट है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन। तो अ लेटर इज रिटन। उसके बाद में आते हैं अदर वर्ड्स। अब हम ये देखेंगे ये लेटर किस कौन लिखता है यहाँ पर, आई। तो आई का जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, वो होता है मी। तो आप यहाँ पे प्रीपोजिशन बाय का यूज करेंगे और आप लिखेंगे अ लेटर इज रिटन बाय मी, एक लेटर मेरे द्वारा लिखा जाता है। ये स्टूडेंट प्रेजेंट सिंपल टेंस का बेसिक नॉलेज है। अगर आपने एक बार ये अच्छे से समझ लिया तो आप आराम से अब इसके एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो देखिए, आपके हम सिलेबस के अकॉर्डिंग कराते हैं आपको, सिलेबस में पहले जो एग्जांपल्स हैं वो समझाते हैं, फिर इसकी आपकी एक्सरसाइज आएगी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल में दिया हुआ है आपका, द लिटिल बेबी ड्रिंक्स मिल्क। अब आप देखेंगे, आप इसको देख कर समझ गए कि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल का, क्योंकि यहाँ पर कौन सी फॉर्म यूज हो रही है वर्ब की, फिफ्थ फॉर्म, यानी कि जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा देते हैं उसको हम जस्ट फॉर कंफर्ट हम उसको वी फाइव कह रहे हैं। तो द बेबी, द लिटिल बेबी ड्रिंक्स मिल्क। अब आपको इसको बनाना है पैसिव वॉइस में, तो आप देखेंगे इसका ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, इसका ऑब्जेक्ट है मिल्क। अब जब आप मिल्क को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो मिल्क क्योंकि एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या आएगी स्टूडेंट्स, इज। तो मिल्क इज, अब देखेंगे वर्ब है ड्रिंक्स, तो ड्रिंक की जो वी थ्री होती है वो क्या होती है, ड्रंक। तो मिल्क इज ड्रंक किसके द्वारा, बाय द लिटिल बेबी। ये इसका हुआ स्टूडेंट पैसिव वॉइस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मिस साधना टीचिज मी साइंस। मिस साधना मुझे साइंस पढ़ाती हैं। अब जब हम इसको बनाएंगे पैसिव में, तो इसके हम दो तरीके, इसमें दो ऑब्जेक्ट गिवन है आपको, देखिए मिस साधना टीचिज मी साइंस, मी और साइंस। आप चाहे तो मी से बना सकते हैं, मी का सब्जेक्ट बनाकर, या फिर साइंस का सब्जेक्ट बनाकर, तो दोनों से बनाए। देखिए अगर आप मी को बनाते हैं सब्जेक्ट, तो मी का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट केस क्या होगा, आई। आई एम टॉट साइंस बाय मिस साधना, ऐसे बना सकते हैं, या फिर साइंस इज टॉट टू मी बाय मिस साधना, जैसे मर्जी आप ऐसे बना सकते हैं, दो मेथड हैं इसके। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही डज नॉट लर्न तमिल दीज डेज, वो आजकल तमिल नहीं सीखता है। तो आप देखेंगे ये प्रेजेंट सिंपल है जो कि नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल का, तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो भी नेगेटिव ही बनेगा, तमिल इज नॉट लर्न बाय हिम दीज डेज। ओके, नेक्स्ट देखिए, डू यू लाइक दिस पिक्चर, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इसको जब आप पैसिव वॉइस में बनाओगे तो वो भी इसका इंटरोगेटिव ही बनेगा, इज दिस पिक्चर लाइक बाय यू। नेक्स्ट देखिए आप, हु टीचेस यू हिंदी, आपको हिंदी कौन पढ़ाता है, इसमें आप देखेंगे इसमें भी आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, यू और हिंदी, आप दोनों से बना सकते हैं, बाय हुम आर यू टॉट हिंदी, या फिर बाय हुम इज हिंदी टॉट टू यू। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके एग्जांपल्स हैं। अब आपकी इसमें आती है एक्सरसाइज, देखिए एक्सरसाइज, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इंटू पैसिव वॉइस, ये आपको सेंटेंसेज गिवन है और आपको पैसिव वॉइस में चेंज करने हैं। फर्स्ट सेंटेंस, द हंटर किल्स अ लायन, अब आपको बनाना है ये पैसिव वॉइस में, तो क्या होगा इसका सेंटेंस देखिए, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, अ लायन, अ लायन को हम बनाएंगे सब्जेक्ट, अ लायन क्या है सिंगुलर, उसके साथ में कौन सी वर्ब आएगी, इज, अ लायन इज किल्ड बाय द हंटर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सी लव्स हर चिल्ड्रन, हर चिल्ड्रन आर लव्ड बाय हर। नेक्स्ट देखिए, रूपाली डज नॉट रीड इंग्लिश, इंग्लिश इज नॉट रेड बाय रूपाली। नेक्स्ट देखिए, दे डू नॉट हेल्प मी, इसका पैसिव वॉइस होगा, आई एम नॉट हेल्प्ड बाय देम। नेक्स्ट, डज शी ईट राइप मैंगोज, अब ये इंटरोगेटिव है तो इसका पैसिव वॉइस भी इंटरोगेटिव ही होगा। तो सेंटेंस है हमारा, डज शी ईट राइप ग्रेप्स, अब जो राइप ग्रेप्स है ये प्लूरल है, तो इसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब आनी है आर। अब क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा वो भी इंटरोगेटिव होगा और वो भी हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा। तो आर राइप ग्रेप्स ईटन बाय हर। ओके, डज शी ईट राइप ग्रेप्स, आर राइप ग्रेप्स ईटन बाय हर। नेक्स्ट देखिए, माय फादर डज नॉट ओपन दिस डोर, दिस डोर इज नॉट ओपन्ड बाय माय फादर। नेक्स्ट सेंटेंस, हु टीचेस यू ग्रामर, अब आप देखेंगे यहां पर हु जो है वो सब्जेक्ट है, हु टीचेस यू
ग्रामर और ऑब्जेक्ट है यहाँ पर आपके यू और ग्रामर, आप दोनों में से किसी से भी बना सकते हैं। तो अगर आपने यू से, यू को आपको सब्जेक्ट बनाना है तो आपका हो जाएगा बाई होम। अब पैसिव वॉइस में जो हु है वो चेंज हो जाता है बाई होम में, बाई होम आर यू टॉट ग्रामर, बाई होम आर यू टॉट ग्रामर, या फिर बाई होम इज ग्रामर टॉट टू यू। आप चाहे जैसे बना सकते हैं इसको यू से भी और ग्रामर से, बाई होम इज ग्रामर टॉट टू यू। ओके नेक्स्ट, ही बीट्स यू, ही बीट्स योर यंगर ब्रदर, ही बीट्स योर यंगर ब्रदर। तो अब आपको बनाना है इसका पैसिव वॉइस, तो क्या होगा योर ब्रदर इज बीटन बाई हिम। नेक्स्ट, श्रीमती भावना टीचिज अस ग्रामर, तो वी आर टॉट हिस्ट्री बाई श्रीमती भावना। ओके नेक्स्ट देखिए, डू यू नॉट टेक टी, डू यू नॉट टेक टी, ये इंटरोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इसका इंटरोगेटिव बनेगा, इज टी नॉट टेकन बाई यू। नेक्स्ट देखिए, हु बीट्स दिस चाइल्ड यस्टरडे, ये इंटरोगेटिव है जो कि डब्ल्यू एच वर्ब से स्टार्ट है, तो आप इसको किस में चेंज हो जाएगा हु बाई हूम में, बाई हूम इज दिस चाइल्ड बीटन एवरी डे। ओके नेक्स्ट देखिए, शी लाइक्स मैंगोज वेरी मच, तो इसका पैसिव वॉइस होगा मैंगोज आर लाइक्ड वेरी मच बाई हर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके प्रेजेंट सिंपल की एक्सरसाइज है, जो कि एक एक्सरसाइज में गिवन है, ये आपकी पूरी हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, इसको स्ट्रक्चर को याद कर लीजिए, समझ लीजिए। और अब आपका स्टार्ट होगा इसमें नेक्स्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी आपके लिए जरूरी है कि आप इसका स्ट्रक्चर समझ जाए क्या होता है, एक्टिव वॉइस में भी और पैसिव वॉइस में भी। पास्ट सिंपल टेंस में जो आपका स्ट्रक्चर होगा एक्टिव वॉइस का, वो वही होगा जो आपने अगर टेंस की स्टडी की है तो जो टेंस में होता है स्ट्रक्चर पास्ट सिंपल टेंस का। तो देखिए, हम आपको बता देते हैं पास्ट सिंपल टेंस यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर होगा, ए वी लिख रहे हैं इसके लिए एक्टिव वॉइस के लिए, वो होता है सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है इसका सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो वी टू है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी कि पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है स्टूडेंट्स एच वी, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डिड पास्ट सिंपल की। अब इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देख लीजिए क्या होता है। पैसिव वॉइस का इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वी थ्री वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स ओ डब्ल्यू, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वी थ्री प्लस अदर वर्ड्स वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। हमने आपको बताया पैसिव वॉइस में हर सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी, प्लस आपके आएंगे अदर वर्ड्स। ठीक है, अब हम आपको एक सेंटेंस बताते हैं। जैसे कि सेंटेंस लिया हमने, सपोज आई रोट अ लेटर, ठीक है आई रोट अ लेटर। आप देखेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई मैंने एक लेटर लिखा था, ये वी टू आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फिर है आपका ऑब्जेक्ट अ लेटर। जब इसका पैसिव वॉइस बनेगा तो क्या बनेगा, अ लेटर वॉज रिटन, अ लेटर वॉज रिटन बाई मी, ये इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा स्टूडेंट्स। ओके तो आपको इसमें याद रखना है पैसिव वॉइस में पास्ट सिंपल टेंस में जो स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस में, वो होता है सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट, इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वी थ्री प्लस अदर वर्ड्स आते हैं। अब आप देखिए एग्जाम्पल, जो आपके सिलेबस के एग्जाम्पल से उन्हें देखिए आप, शी रोट अ ब्यूटिफुल पोयम। तो आपको सेंटेंस देखने के बाद पता चल जाना चाहिए कि ये पास्ट सिंपल टेंस है, क्योंकि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जब इसमें डिड का यूज होता है पास्ट सिंपल टेंस में, तो डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, यानी कि जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, मैंने एक लेटर नहीं लिखा था, तो आई डिड नॉट राइट अ लेटर। जब एक बार डिड आ जाता है सेंटेंस में तो उसके साथ में फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आपका सेंटेंस है ये, शी रोट अ ब्यूटिफुल पोयम,
अब ये आप देखेंगे ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, तो इसका पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे, फिर से वही आ ब्यूटीफुल पोयम इसका ऑब्जेक्ट है, तो जो पैसिव वॉइस में वो इसका सब्जेक्ट बन जाएगा, आ ब्यूटीफुल पोयम वॉज रिटन बाई हर। नेक्स्ट ही डिड नॉट ड्रिंक वाइन यस्टरडे, अब आप देखेंगे इसमें डिड आ गया है, तो हमने अभी बताया था आपको डिड के साथ में कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। ही डिड नॉट ड्रिंक वाइन यस्टरडे, तो वाइन वॉज नॉट ड्रंक बाई हिम यस्टरडे, ये इसका पैसिव वॉइस होगा। अगर ये नेगेटिव है हमारा एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में भी नेगेटिव बनेगा, एक्टिव वॉइस में इंटरोगेटिव होता है तो पैसिव में भी इंटरोगेटिव ही बनता है। नेक्स्ट देखिए ये आ गया नेक्स्ट वन, डिड दे हेल्प द ब्लाइंड मैन, ये इंटरोगेटिव है जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, तो पैसिव वॉइस भी इंटरोगेटिव बनेगा जो कि हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा। तो आप देखेंगे ब्लाइंड मैन सिंगुलर है तो उसके साथ में वर्ब आएगी वॉज, तो ये वॉज से स्टार्ट होगा, वॉज द ब्लाइंड मैन हेल्प बाई देम। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए, वाई डिड यू स्टील माई पेन, अब ये डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होता हुआ है और ये भी इंटरोगेटिव है, तो पैसिव वॉइस भी डब्ल्यू एच वर्ड से ही स्टार्ट होगा और वो भी इंटरोगेटिव होगा। तो वाई डिड यू स्टील माई पेन, वाई वॉज माई पेन स्टोलन बाई यू, हु डिस्कवर्ड अमेरिका, तो यहाँ पर हु सब्जेक्ट है, तो जब पैसिव वॉइस में हु को हम किस में चेंज करते हैं, बाई हुम में, तो बाई हुम, अब अमेरिका यहाँ पर सब्जेक्ट बनाना है तो अमेरिका सिंगुलर देश का नाम है, तो बाई हुम वॉज अमेरिका डिस्कवर्ड। ओके स्टूडेंट्स तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं पास्ट इनडेफिनेट टेंस के आपके सिलेबस के, और अब आपकी आती है एक्सरसाइज टू, देखिए आप ये आपको पैसिव वॉइस में चेंज करने हैं सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस है मिल्टन रोट मैनी ब्यूटिफुल पोएम्स, तो आपको बनाना है इसको पैसिव वॉइस, तो जो इसका ऑब्जेक्ट है वो उठाएंगे आप, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, मैनी ब्यूटिफुल पोएम्स, और इसको बनाएंगे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, मैनी ब्यूटिफुल पोएम्स, क्योंकि ये प्लूरल है तो इसके साथ आएगा वर, मैनी ब्यूटिफुल पोएम्स वर रिटन बाई मिल्टन। ओके नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शाहजहां बिल्ट द ताजमहल, द ताजमहल वॉज बिल्ट बाई शाहजहां। नेक्स्ट देखिए, हु हेल्प्ड यू यस्टरडे, आप देखें यहाँ पर हु सब्जेक्ट है तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, बाई हुम में, बाई हुम वर यू हेल्प्ड यस्टरडे। नेक्स्ट ग्रिफिन डिस्कवर्ड सम रेयर ड्रग्स, सम रेयर ड्रग्स वर डिस्कवर्ड बाई ग्रिफिन। नेक्स्ट कालिदास रोट शकुंतलम, शकुंतलम वॉज रिटन बाई कालिदास। नेक्स्ट मिस्टर गैसलर मेड क्वालिटी शूज, क्वालिटी शूज वर मेड बाई मिस्टर गैसलर। नेक्स्ट देखिए, माई सिस्टर पेंटेड दिस पिक्चर, दिस पिक्चर वॉज पेंटेड बाई माई सिस्टर। नेक्स्ट हु मेड दिस टेबल, बाई हुम वॉज दिस टेबल मेड। नेक्स्ट अ थर्स्टी क्रो सो अ पिक्चर, अ पिक्चर वॉज सीन बाई अ थर्स्टी क्रो। नेक्स्ट राणा प्रताप फॉट मैनी बैटल्स, मैनी बैटल्स वर फॉट बाई राणा प्रताप। नेक्स्ट शी टोल्ड अस अ फाइन स्टोरी, अ फाइन स्टोरी वॉज टोल्ड टू अस बाई हर। नेक्स्ट अ डंकी फाउंड द स्किन ऑफ अ लॉइन, द स्किन ऑफ अ लॉइन वॉज फाउंड बाई अ डंकी। नेक्स्ट देखिए, द पुलिसमैन कॉट अ नोटोरियस थीफ, अ नोटोरियस थीफ वॉज कॉट बाई द पुलिसमैन। नेक्स्ट पूजा सैंग अ ब्यूटिफुल सॉन्ग लास्ट इवनिंग, अ ब्यूटिफुल सॉन्ग वॉज संग बाई पूजा लास्ट इवनिंग। तो ये आपकी एक्सरसाइज टू कंप्लीट होती है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आएगा आपका फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस या फ्यूचर सिंपल टेंस, तो इसके बारे में आपको बता दें इसका स्ट्रक्चर क्या होता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। तो जो टेंस में स्ट्रक्चर होता है वही एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा फ्यूचर सिंपल टेंस का। तो देखिए फ्यूचर सिंपल टेंस ये एक साथ दिए गए आपके, पहले सिंपल के तीनों दिए गए, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, और अब आता है फ्यूचर सिंपल। तो देखिए फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस का जो स्ट्रक्चर होगा स्टूडेंट्स एक्टिव वॉइस में वो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, अगर आपने टेंस किए हुए हैं तो आपको पता ही होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है हमारा एक्टिव वॉइस में। ओके पैसिव वॉइस में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी
प्लस वी थ्री प्लस अदर वर्ड्स, ये इसका पैसिव वॉइस में इससे जो होता है। अगर हम एग्जाम्पल लें, सपोज हमने एग्जाम्पल लिया, मैं एक लेटर लिखूंगा, आई शैल राइट अ लेटर, आई शैल राइट अ लेटर। अब आप इसमें देखेंगे ये एक्टिव वॉइस में है, आई शैल राइट अ लेटर किस में, एक्टिव वॉइस में, मैं एक लेटर लिखूंगा। आई सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट, सब्जेक्ट। तो क्या होगा, अ लेटर, अ लेटर विल बी, अब रिटन क्या होती है, विथ री राइट की रिटन, अ लेटर विल बी रिटन बाय मी, ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको फ्यूचर सिंपल टेंस में याद रखना है कि जो इसका स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में होगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वी थ्री। आप जानते हैं पैसिव वॉइस में हर सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है प्लस अदर वर्ड्स। ओके, एग्जाम्पल हमने लिया, आई शैल राइट अ लेटर, मैं एक लेटर लिखूंगा, तो ये एक्टिव वॉइस का हुआ। पैसिव वॉइस में हम जो अ लेटर है वो सब्जेक्ट बनाएंगे, अ लेटर विल बी रिटन बाई मी। अब आते हैं आपका एग्जाम्पल्स जो दिए हुए हैं, देखिए जरा। फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस सेंटेंस है आपका, शिवानी विल पेंट दिस पिक्चर। तो हम देख के समझ गए कि ये सेंटेंस फ्यूचर सिंपल का है। पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे, फिर से वही द दिस पिक्चर को बनाएंगे सब्जेक्ट, और फिर हमारा स्ट्रक्चर होगा द दिस सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वी थ्री प्लस अदर वर्ड्स। तो दिस पिक्चर विल बी पेंटेड बाई शिवानी। ओके, नेक्स्ट वन देखिए, वी शैल नॉट अटेंड द फंक्शन, द फंक्शन विल नॉट बी अटेंडेड बाई अस। Will you not take some food? Will some food not be taken by you? ये interrogative है तो इसका passive voice भी interrogative बनेगा। Next, when will they drink milk? ये भी हमारा interrogative है, WH word से start हुआ, तो passive voice भी WH word से start होगा और वो भी interrogative ही होगा। When will milk be drunk by them? Next, who will win the prize? By whom will the prize be won? Okay? अब ये आपके एग्जाम्पल्स हो, आपकी आती है एक्सरसाइज थ्री। तो ये आपको क्या करना है, इसमें सेंटेंसेस गिवन है और आपको ये पैसिव वॉइस में फॉर्म करने हैं, जो कि हैं फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस के या फ्यूचर सिंपल टेंस के। तो देखिए, ही विल पोस्ट अ लेटर, एक्टिव वॉइस में आ, अब इसका पैसिव वॉइस क्या होगा हम देखेंगे, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है अ लेटर, अ लेटर को बनाएंगे सब्जेक्ट, अ लेटर विल बी पोस्टेड बाई हिम। ओके, नेक्स्ट, आई शैल लर्न माई लेसन, My lesson will be learnt by me. Next देखिए, Venus will not cheat me. I will not be cheated by Venus. Okay? Next, she will wash her dirty clothes. Her dirty clothes will be washed by her. Next, we shall give you some money. Some money will be given to you by us. Next, Akash will not fly the kite in the sky. The kite will not be flown by Akash in the sky. Next, will you not visit the Taj Mahal? Will the Taj Mahal not be visited by you? Next, देखिए, when will the peon ring the last bell? When will the last bell be rung by the peon? Next, देखिए, the thirsty crow will find some water. Some water will be found by the thirsty crow. और लास्ट सेंटेंस आपका, हु विल इनवाइट यू टू डिनर, बाय हुम विल यू बी इनवाइटेड टू डिनर। ये आपका एक्सरसाइज थ्री कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट आएंगे हमारे कंटिन्यूस वाले, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।